हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी सिंपल सी और ओनली टू स्टेप वाली होम रेमेडी। इसे मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने मतलब जो फिंगर्स में हमारे जॉइंट पे डार्कनेस और नेल्स के किनारे किनारे डार्कनेस आ जाती है, इससे हम कैसे मतलब छुटकारा पा सकते हैं, जिससे हमारे हाथ मतलब क्लीन स्मूथ एंड ब्यूटीफुल दिखें। सो इसके लिए मैं आप लोगों से मतलब एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। करना क्या है हमें, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ टू स्टेप्स लेने हैं। वो स्टेप्स टू स्टेप्स को लेने के लिए हमारे पास हमें जो रेमेडी चाहिए होगी वो हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, और मुझे मतलब ये तो मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि हर किचन में वो ईजिली मिल जाएगा। तो अब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मोस्टली वुमेंस होती हैं, जैसे हम मैं खुद हूँ, मैं अपने डिशेज खुद से मतलब वॉश करना पसंद करती हूँ। सो ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जो अपने घर पे डिशेज खुद से वॉश करती हैं या फिर क्लॉथ खुद से वॉश करती हैं, हाथों से ही वॉश करती हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से मतलब अगर हमें डिशेज बाहर और जो डिटर्जेंट होती हैं इन सब से मतलब स्किन हमारे हाथ हमारे टच में आने की वजह से डार्कनेस आ जाती है, स्किन डेड हो जाती है, जिसकी वजह से डार्कनेस और डलनेस आ जाती है हमारे हाथों में, हमारे फिंगर्स पे, यहाँ ज्वाइंट पे, और यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा आ जाती है। सो अगर इस प्रॉब्लम को आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो तो इसको आप सप्ताह में बस दो बार यूज़ करिए, और अगर आपको लाइटली इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसको वीकेंड में बस वन टाइम भी अगर कर लोगे तो भी आप इस चीज़ से मतलब इस चीज़ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ ना कि पता है हर वुमेंस को ना अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। मैं अपने हाथ पैर हर चीज़ का मतलब रख रखाव देखभाल बहुत अच्छे से करती हूँ। सो इन सब चीज़ों का मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि कहीं भी मतलब डलनेस ना दिखे। अगर हमारे हाथ क्लीन दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि मेरे हाथों में कहीं भी डलनेस इस टाइप से नहीं है। सो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मतलब सप्ताह में बस एक बार ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिनको डार्कनेस यहाँ पे है उन्हें सप्ताह में दो बार ये स्टेप्स लेने चाहिए, और आप खुद देखना जब आप कुछ दिन इसको कंटिन्यू ट्राई कर लोगे तो मैं आपसे बताती हूँ आपके हाथ क्लीन दिखेंगे, आपको स्मूथ दिखेंगे। डेड स्किन का तो समझ लो कि एकदम पता ही नहीं चलेगा कि डेड स्किन कहाँ है, क्या हुआ, इसी टाइप से मतलब समझ लीजिए आप। सो इस चीज़ को आप ट्राई करिए, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक दे देना, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेशन में या फिर कोई आपके जानने वाला ऐसा है जिसको ये डार्कनेस फिंगर डार्कनेस वाली प्रॉब्लम अगर है, तो आप उन लोगों से आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए, और इसमें स्टेप भी बहुत ईजी लेने हैं और ज़्यादा कुछ रेमेडी भी इसमें लगने वाली नहीं है। सो मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को उन लोगों से शेयर करिए ताकि उन लोगों के लिए वीडियो मतलब हेल्पफुल हो सके, और क्योंकि मैं इसको खुद करती हूँ, मैं खुद ट्राई करती हूँ इस चीज़ को, मैं सप्ताह में एक बार इसको करती हूँ, और ये क्विक एंड ईजी रेमेडी है। सो इसको आप ट्राई करिए, ओके, और मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसकी प्रोसेस क्या है इसका। सो हमें चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स मीठा सोडा भी कहते हैं इसको, ये हम खाने में मोस्टली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो आप समझ रहे होंगे, मीठा सोडा थोड़ा सा लेना है हमें, और ये सादा नमक थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इसकी डालनी है, मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे, और नींबू यूज़ करना है हमें, और उसके बाद हमें ये मतलब जब हम अपनी इस रेमेडी को यूज़ कर लेंगे उसके बाद हमें इस मसाज क्रीम की चाहे कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम की जरूरत पड़ेगी। सो अब करना क्या है मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। मैंने आपसे बोला था कि बस सिंपल सा इजी सा क्विकली मतलब स्टेप्स हमें लेने हैं। तो पहला स्टेप हमें ये हमारा ये है कि हम इसमें पहले तो इसमें थोड़ा सा नमक सोडा में, मीठा सोडा जितना हमने लिया उससे हमें हाफ क्वान्टिटी में नमक ऐड करना है इसमें। सो मैंने नमक ऐड कर दिया, नींबू है, लेमन, इसको इसमें रस हमें डालना है, और आप देखिए ये कैसे रिएक्ट कर रहा है मीठा सोडा से मिक्स होने के बाद, आप देखिए तुरंत ये जब तक ये झाग निकल रही है बस उसी टाइम तक हमें इसको जल्दी से इसी नींबू से हमें अपने हाथ पे ऐसे अच्छे से इसी लेमन से जिसको हमने निचोड़ा उसे हमें ऐसे अच्छे से अपने हाथ पे इसको अप्लाई करना है ऐसे ऐसे, और जहाँ डार्कनेस है वहाँ थोड़ी देर तक करनी है, और जब तक हमारी इस कटोरी में बॉल में हमारे झाग आएगी तभी उसी तब तक हमें उसको बस यूज करना है। तो सो जल्दी 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 इस रेशियो को हमें करना है क्विकली, बस अच्छे से जहाँ हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर जॉइंट्स पे उस पर अच्छे से हमें इसको अप्लाई करनी है ऐसे, जल्दी 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 हम इसको अप्लाई करेंगे ऐसे।
ऐसे अप्लाई करनी है हमें, ऐसे जो हमारी फिंगर्स नेल्स के किनारे किनारे साइड साइड जो हमारे डार्कनेस रहती है उसको रब करने के लिए ऐसे रब करेंगे हम उसको ऐसे लेमन से। इसको हमें 10 मिनट तक 5 मिनट तक रब करना है, मतलब जिसको कम है वो 5 मिनट तक रब कर सकता है इसको, और जिसको अगर ये जॉइंट पे या फिर नेल्स के पास ज़्यादा डार्कनेस है वो 10 मिनट तक इसको ऐसे अप्लाई कर सकता है। अभी हल्की हल्की झाग हमारे पास है इसमें तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सो जल्दी 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 हमें स्टेप्स लेने हैं। मेरी फिंगर्स में डार्कनेस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो उसको हमेशा मोस्टली यूज़ करती रहती हूँ। सप्ताह में मैं आपसे बताई, मैं सप्ताह में एक बार ये प्रोसेस ज़रूर करती हूँ। सो इसी वजह से मेरे हाथ पे भी कोई डार्कनेस फिलहाल अभी है नहीं। सो इसी प्रोसेस को आप इसी तरह से बस कंटिन्यू हमें करना है। मैंने गर्म पानी किया है, गर्म पानी से अब अपने हाथों को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो इतना टाइम तो मैं दे नहीं सकती हूँ कि मैं आधा घंटा एक घंटा आराम से पानी में और 10 मिनट या फिर 15 मिनट या 20 मिनट ऐसे में गर्म पानी करके अपने हाथ और पैर उसमें शोक डाल के आराम से बैठी रहूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बर्डन होते हैं, हाउस वाइफ हूँ, आप समझ सकते हैं। खासकर जो हाउस वाइफ होंगी वो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ रही होंगी। तो मैंने सोचा इस चीज़ को क्यों ना मैं शॉर्ट में करूँ, तो उस शॉर्ट में मैं इसको काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा। सो मैं इस चीज़ को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को जरूर ट्राई करना। खासकर जो हाउस वाइफ हैं उनको तो मैं ये कहूँगी आप प्लीज़ आप जरूर से ट्राई करना इस चीज़ को। सो मैंने अपने हाथों को गर्म पानी से धो लिया है, मैंने नींबू से मतलब रब करते हुए आपको दिखाया है, मैंने रब किया। अब मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी मैं अच्छे से। अब अच्छे से मैंने अपने हाथों को पोंछ लिया है। सो मैं कोई सा भी मसाज क्रीम या मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं और उससे हल्का सा मसाज देंगे आप अपने हाथों को। ऐसे हमें हल्का सा मसाज देना है, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का। ऐसे हमें हल्का सा अपने हाथों को मसाज देना है और जो क्रीम हमने लिया है उसको अच्छे से तब तक मसाज करनी है जितनी क्वांटिटी हमने ले ली है वो अच्छे से स्किन एब्जॉर्ब कर ले, तब तक हमें मसाज करना है। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, मतलब ज़्यादा ना हो क्वांटिटी उसकी, तो 5 मिनट में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो आप देखिए मैंने इसको यूज़ किया था, स्किन कितनी शाइनी ग्लोइंग दिख रही है, थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस आ रही है। रेडनेस इसलिए है क्योंकि मैंने लेमन से अभी इसको रब किया था, इसलिए स्किन पर मेरी रेडनेस आ रही है। और सो बस इतना ही हमें करना है, थोड़ी देर बाद हाथ में मेरे मतलब स्मूथनेस और वाइटनेस आ जाएगी और हाथ क्लियर क्लीन एंड ब्यूटीफुल दिखेगा। सो गाइज अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना मेरे इस चैनल को अपना खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।